लोकल न्यूज में अपना परचम लहराता हुआ एकमात्र बेहतरीन यूट्यूब चैनल क्लीन न्यूज में आप सभी श्रोतागण का तहे दिल से स्वागत है। तो सबसे पहले आज के मुख्य अंक के बारे में जानते हैं। खबर गोड्डा से, इग्नू की परीक्षाएं 17 सितंबर से शुरू। इग्नू के शैक्षणिक सत्र जून 2020 की परीक्षा आगामी 17 सितंबर से प्रारंभ हो रही है। इग्नू की यह परीक्षा सिर्फ अंतिम वर्ष के छात्र छात्राओं के लिए होगी। इसमें बीडीपी का सत्र जुलाई 2017, एमए का सत्र जुलाई 2018 और तृतीय वर्ष डिप्लोमा जुलाई 2019 व सर्टिफिकेट जनवरी 2020 सत्र की परीक्षाएं आयोजित की जाएगी। उक्त जानकारी गोड्डा कॉलेज के इग्नू अध्ययन केंद्र के समन्वयक विवेकानंद सिंह ने दी। उन्होंने बताया कि इग्नू में जुलाई 2020 सत्र के लिए विभिन्न पाठ्यक्रमों में ऑनलाइन नामांकन की तिथि 31 अगस्त को समाप्त कर दी जाएगी। मंगलवार तक इच्छुक अभ्यर्थी इग्नू पोर्टल पर जाकर ऑनलाइन नामांकन ले सकते हैं। एसटी एससी गैर नौकरी पेशा वाले अभ्यर्थियों को स्नातक स्तर तक एवं डिप्लोमा और सर्टिफिकेट कोर्सों में निशुल्क ऑनलाइन नामांकन की सुविधा प्रदान की गई है। सरकारी कार्यालयों में बिना हेलमेट प्रवेश हो वर्जित। सोमवार को सड़क सुरक्षा से संबंधित बैठक उपायुक्त भोर सिंह यादव की अध्यक्षता में हुई। सड़क सुरक्षा से संबंधित अधिकारियों को डीसी ने कड़ा निर्देश दिया। बैठक में तेजी और लापरवाही से वाहन चलाने वाले चालकों पर अंकुश लगाने पर जोर दिया गया। उपायुक्त ने एनएच के सहायक अभियंता को हसडिया से पीरपैंती तक एनएच 133 सड़क की जाँच करने तथा मरम्मत करने के उपरांत प्रतिवेदन उपलब्ध करने का निर्देश दिया। कहा कि सभी सरकारी कार्यालयों में बिना हेलमेट के प्रवेश वर्जित किए जाए। 5 माह बाद आज से गोड्डा की सड़कों पर दौड़ेगी बसें। राज्य सरकार की गाइडलाइन के आलोक में 5 माह बाद मंगलवार से जिले की सड़कों पर बसें दौड़ने लगेगी। बस संचालक को लेकर सोमवार को शहर के प्राइवेट बस स्टैंड में सभी स्तर से तैयारी पूरी कर ली गई है। इसके लिए बस संचालक, एजेंट, चालक, कंडक्टर सहित अन्य कर्मी पूरे दिन जुटे रहे। सभी लोग सरकार के निर्देशों से अवगत हुए। इसके बाद स्टैंड में खड़ी बसों को चालू करने की कवायद शुरू की गई। अधिकतर बसों की बैटरी डिस्चार्ज थी, जिन्हें चार्ज किया गया। बस को स्टार्ट करने में भी काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। मालिकों को अतिरिक्त खर्च करना पड़ रहा है, इसके लिए मिस्त्री भी दिन भर स्टैंड में काम करते दिखे। वहीं दूसरी ओर बस के बुकिंग काउंटर में साफ सफाई करने के साथ ही सैनिटाइज किया गया। सरकार की गाइडलाइन में राज्य के अंदर की ही बसों का परिचालन होगा। इसके साथ ही शारीरिक दूरी का पालन करना जरूरी है। सभी के लिए मास्क अनिवार्य होगा। वहीं इस बात का भी ख्याल रखना होगा कि कहीं भी भीड़ की स्थिति नहीं हो। साथ ही बस के अंदर शारीरिक दूरी का पालन किया जाना। मंगलवार को पहले दिन गोड्डा से रांची, धनबाद, बोकारो के लिए लंबी दूरी की बसें खुलेगी। गोड्डा से रांची के लिए 700 रुपया लगेगा भाड़ा। आज से राज्य के अंदर बसों की परिचालन शुरू हो गया है। कोरोना संक्रमण काल में शारीरिक दूरी का पालन करते हुए किराया का निर्धारण किया गया है। गोड्डा से रांची के लिए अब सीट पर 700 रुपये और स्लीपर में 750 रुपये देना होगा, जबकि दुमका के लिए 140 और देवघर के लिए 160 रुपये किराया देना होगा। बस संचालक गुड्डू यादव ने कहा कि फिलहाल यह दर तय की गई है। लंबी दूरी की बस में शारीरिक दूरी के पालन उतनी कठिनाई नहीं है। एक सीट व स्लीपर में एक ही यात्री रहेंगे। वहीं लोकल बस के संचालन में शारीरिक दूरी को लेकर कठिनाई हो सकती है। हालांकि एक सीट पर एक ही यात्री को बैठाना है, लेकिन लोकल रहने के कारण रास्ते में यात्री चढ़ाना मजबूरी होगी। यहां पर कठिनाई हो सकती है। कहा कि फिलहाल पहले मंगलवार से वाहन चलाया जाएगा, इसके बाद मामले को लेकर प्रशासन व परिवहन विभाग के अधिकारी के साथ बस संचालक संघ मिलेगा। प्रेमी ने प्रेमिका की पीट पीट कर कर दी हत्या। झारखंड में गोड्डा जिले के बुआरीजोर थाना क्षेत्र में एक प्रेमी ने मामूली विवाद में अपनी प्रेमिका की पीट पीट कर हत्या कर दी। पुलिस सूत्रों ने सोमवार को यहां बताया कि बड़ा चूरी गांव निवासी सुलेमान अपनी प्रेमिका पिंकी मालतो के साथ गांव में लगने वाले एक हाट में जा रहा था। इसी क्रम में प्रेमी और प्रेमिका के बीच विवाद हो गया। इसको लेकर के इसके बाद क्रोधी सुलेमान पूरे रास्ते प्रेमिका कर जमकर पिटाई की, जिसके बाद उनकी मौत हो गई।
गोड्डा सांसद ने सीता को दी विरासत संभालने की सलाह। गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे ने जामा की झामुमो विधायक सीता सोरेन के उस ट्वीट का समर्थन किया जिसमें उन्होंने सीएम हेमंत सोरेन व दुमका डीसी से जर्जर सड़क की मरम्मत नहीं कराने पर जनता के साथ सड़क पर उतरने की बात कही थी। इसके बाद सांसद ने अपने ट्वीट पर लिखा कि अब आपको ही विरासत संभालनी चाहिए। स्वर्गीय दुर्गा सोरेन ने जनता और अपने पिता आदरणीय गुरुजी का अपमान करने वाली पार्टी कांग्रेस से बदला लिया था। जामा की जनता आपकी तरफ से आशा भरी नजरों से देख रही है। विदित हो कि सीता सोरेन ने रविवार को अपने ट्वीट हैंडल पर लिखा था कि सरकार को दुमका देवघर एनएच के अलावा रामगढ़ की सड़कों पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है, साथ ही आवश्यक कार्रवाई की भी मांग की थी। मछली कारोबारी हत्याकांड में 3 गिरफ्तार। गोड्डा जिले के महागावा थाना क्षेत्र के नया नगर गांव में चर्चित मछली कारोबारी हत्याकांड में पुलिस ने खुलासा कर दिया है। उक्त हत्याकांड की साजिश रचने वाला मोहम्मद जावेद अख्तर सहित 3 आरोपित को पुलिस ने गिरफ्तार किया। तीनों आरोपित ने पुलिस के समक्ष अपना जुर्म भी कबूल लिया है। हालांकि अभी भी एक आरोपित पुलिस की गिरफ्त से दूर है। एसपी YS रमेश ने सोमवार को जिला पुलिस मुख्यालय में प्रेस वार्ता कर उक्त हत्याकांड का खुलासा किया। बता दें कि बीते 27 अगस्त की रात को महागामा थाना क्षेत्र के नया नगर गाँव में मछली कारोबारी मोहम्मद जमालुद्दीन की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। एसपी रमेश ने बताया कि यह मछली कारोबार में वर्चस्व को लेकर हत्या हुई थी। न्यानगर गांव का दूसरा मछली कारोबारी मोहम्मद जावेद अख्तर ने इस हत्याकांड का तानाबाना बुना था। जिले भर में इंटर कॉलेजों की सीट बढ़ाए जाए सरकार। पोड़ियाहाट प्रखंड स्थित सूरज मंडल महाविद्यालय समेत पूरे जिले के अस्थायी प्रस्वीकृत इंटर महाविद्यालयों में सीट वृद्धि नहीं होने से छात्र व अभिभावकों में आक्रोश गहराता जा रहा है। विभिन्न छात्र संगठनों ने सरकार से सीट वृद्धि की मांग की है। छात्रों ने दिए गए बयान में बताया कि यदि सरकार इस बार सीट वृद्धि शीघ्र नहीं करती है तो छात्र सड़क पर उतरने को मजबूर होंगे। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से जुड़े सूरज कुमार ने बताया कि अभिभावक बाहर अपने बच्चे के नामांकन के लिए नहीं जा पा रहे हैं, उसकी आर्थिक स्थिति भी बाहर पढ़ने के लायक नहीं है। ऐसे में बच्चे कहाँ जाकर पढ़े, यही कारण है कि स्थानीय कॉलेज में इस बार छात्रों का भार ज़्यादा पड़ गया है। खबर देवघर से, बाबा मंदिर में स्पर्श पूजा पर प्रतिबंध, अर्घा सिस्टम लागू, अब कोरोना काल तक ऐसा ही चलेगा। बाबा बैद्यनाथ मंदिर देवघर में आज से पूजा की नई व्यवस्था लागू हो गई है। मंदिर में स्पर्श पूजा पर रोक लगा दी गई है। किसी श्रद्धालु को गर्भगृह में प्रवेश नहीं करने का दिया जा रहा है। वह अर्घा के माध्यम से जलाभिषेक कर रहे हैं। यह नई व्यवस्था कोरोना वायरस के प्रभाव के खत्म होने तक लागू रहेगी। इस व्यवस्था के तहत मंगलवार सुबह से ही मंदिर में भक्त जलाभिषेक कर रहे हैं। साथ ही झारखंड के बाहर से आने वाले श्रद्धालुओं को पूरी तरह से रोकने के लिए देवघर जिला प्रशासन ने चेतावनी दी है। बाहर से आने वाले श्रद्धालुओं को देवघर पहुंचने पर 14 दिनों के लिए क्वारंटाइन किया जाएगा। मंदिर पहुंचने वाले श्रद्धालुओं को मास्क लगाना होगा, सैनिटाइज रखना होगा। मंदिर गेट पर उनकी थर्मल स्क्रीनिंग होगी। ई टोकन के जरिए बाबा के दुर्लभ दर्शन। देवघर के बाबा बैद्यनाथ धाम में शर्तों के साथ बाबा के दर्शन शुरू हो गए हैं। ई टोकन के जरिए सीमित संख्या में एहतियात के साथ भक्तों को मंदिर में दर्शन की इजाज़त दे दी गई है। आज से 2 दिन सांकेतिक हड़ताल पर रहेंगे सफाईकर्मी। झारखंड लोकल बॉडीज इम्प्लाइज फेडरेशन के वाहन पर मंगलवार से 2 दिन तक देवघर नगर निगम के सभी सफाईकर्मी सांकेतिक हड़ताल पर रहेंगे। हड़ताल 1 और 2 सितंबर को रहेगी। खबर है साहेबगंज से, बंदरगाह से मालवाहक जहाजों की आवाजाही जल्द। उपायुक्त चितरंजन कुमार ने समदा में बने बंदरगाह का सोमवार को निरीक्षण किया। उपायुक्त ने कहा है कि बंदरगाह का निर्माण सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है। इसके तहत जिले को जलमार्ग से व्यापार के लिए जोड़ा जा रहा है। डीसी ने बताया कि बंदरगाह निर्माण से मालवाहक जहाजों की आवाजाही में मदद मिलेगी। जल्द ही यहां से रोरो सेवा शुरुआत होगी। कहा कि जिला प्रशासन सरकार के दिशा निर्देश के अनुसार कार्य करेगा व बंदरगाह से व्यापार एवं जिले में विकास को गति मिलेगी। डीसी ने बंदरगाह के लिए जमीन अधिग्रहण होने पर इससे प्रभावित लोगों के पुनर्निवास के लिए बनाए गए आवास का भी निरीक्षण किया। प्रभावित लोग को मिलने वाली सुविधाओं को भी जायजा लिया। उन्होंने अंतरदेशीय जलमार्ग प्राधिकरण के उपनिदेशक
प्रशांत कुमार सिंह को आवश्यक दिशा निर्देश दिया। लघु सिंचाई विभाग पर ठेकेदारों का करोड़ों रुपया बकाया। लघु सिंचाई विभाग के पास ठेकेदारों का करोड़ों रुपया बकाया है। कई माह बीत जाने के बाद ही बिल का भुगतान नहीं हो पाया है, इससे वे परेशान हैं। बता दें कि पिछले साल विभाग ने जिले के 2 दर्जन सड़कों का निर्माण कराया था। वर्तमान समय में कार्य भी बंद है। कोषागार से किसी भी प्रकार का भुगतान नहीं हो रहा है। ठेकेदारों का कहना है कि हम लोगों पर कार्य समय पर पूरा करने का दबाव भी बनाया जा रहा है। महामारी काल में काफ़ी परेशानी झेलने के बाद भी कार्य कर रहे हैं, लेकिन भुगतान के समय आदेश न होने की बात कही जाती है। सबसे अधिक परेशानी लघु सिंचाई विभाग में हो रही है। खबर बताया जा रहा है कि साहेबगंज से नाम कोविड अस्पताल पर सुविधा ना के बराबर है। जिले में कोविड अस्पताल पॉलिटेक्निक को बनाया गया है। यहां कोरोना संक्रमितों को रखा जा रहा है। फिलहाल यहां 27 संक्रमित भर्ती हैं। इसमें जैप 9 के 24 जवान व अन्य 3 बोरियों के मरीज हैं। अस्पताल में CHO की ड्यूटी है। MPW भी लगाए गए हैं। बाहर मजिस्ट्रेट तैनात है, लेकिन अस्पताल के अंदर सफाई की व्यवस्था नहीं है। वहीं MPW व मजिस्ट्रेट की समस्या अलग है। उनके लिए पानी से लेकर खाने व नाश्ते का इंतजाम नहीं है। यह स्थिति मुख्यालय के कोविड अस्पताल की है। नॉन बैंकिंग कंपनियों की जांच को पहुंची CBI टीम। बड़ारवा एवं पटना में संचालित दर्जनों नॉन बैंकिंग कंपनियों द्वारा आम लोगों को ठगने के मामले की जांच के लिए सोमवार को सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन की 2 सदस्यीय टीम पहुंची। बड़ारवा में होर्डिंग टेस्ट वसूली पर लगाए रोक। बड़ारवा नगर पंचायत के वार्ड परिसर होर्डिंग टेस्ट वसूली के विरोध में अध्यक्ष श्यामलाल दास के नेतृत्व में कई दिन से प्रदर्शन कर रहे हैं। नगर अध्यक्ष ने कहा कि बड़ारवा नगर क्षेत्र में आम लोगों से अभी होर्डिंग टेस्ट की वसूली नहीं की जाए। इस संबंध में सोमवार को उपायुक्त से मिले। उपायुक्त की स्थिति में अवगत कराया और कहा कि कोरोना महामारी को लेकर देश व राज्य में लॉकडाउन के कारण लोगों की आर्थिक स्थिति चरमरा गई है। ऊपर से होर्डिंग टैक्स का अतिरिक्त बोझ डाला जा रहा है। इस घड़ी में प्रशासन लोगों को मदद कर रहा है, इसलिए प्रशासन अभी होर्डिंग टैक्स वसूली पर तत्काल रोक लगाएं। खबर है पाकुड़ से, विशेष अभियान में हुई सरकारी कर्मियों की जांच। उपायुक्त कुलदीप चौधरी की निर्देश पर सोमवार को जिले के कुल 41 जांच केंद्र पर विशेष अभियान के तहत सरकारी कर्मचारियों की कोरोना जांच की गई। मेडिकल टीम ने एंटीजन किट से जांच की। जिले में विभिन्न प्रखंडों में चिन्हित जांच केंद्र में सुबह से कर्मियों की भीड़ जुटने लगी थी। सेविका, सहायिका, सरकारी व पारा शिक्षक के अलावा अन्य कर्मियों ने कतार में खड़े होकर अपनी बारी का इंतजार किया। फिर से एक बार जामताड़ा में बढ़ते हुए वारदात। जामताड़ा के 3 साइबर अपराधी गिरिडीह से गिरफ्तार। देवरी थाना की पुलिस ने 3 साइबर अपराधी को रविवार को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपी में जामताड़ा जिले के नारायणपुर थाना अंतर्गत के बताए जा रहे हैं। खबर है जामताड़ा से, सदर अस्पताल में शीघ्र चालू होगी सीनियर सिटीजन वार्ड सेवा। जिला स्तरीय सदर अस्पताल में सीनियर सिटीजन के लिए अलग जिराया ट्रीट वार्ड की व्यवस्था की जा रही है। इस प्राइवेट अस्पताल की तर्ज पर तैयार किया जा रहा है। 15 दिनों के भीतर इसकी यूनिट तैयारी हो जाएगी। जिराया ट्रीट वार्ड में वरिष्ठ नागरिकों को बेहतर इलाज एवं सुविधाएँ सुलभ होगी। केंद्र सरकार की योजना के तहत 60 साल से अधिक उम्र के मरीज के लिए जिला अस्पताल में अलग से वार्ड की व्यवस्था की जा रही है। वार्ड में 10 सीनियर सिटीजन एडमिट हो पाएंगे। इनमें 5 बेड महिलाओं के लिए आरक्षित होंगे। अस्पताल उपाधीक्षक डॉक्टर चंद्रशेखर आज़ाद ने बताया कि NHM के तहत 60 वर्ष के ऊपर के मरीज के लिए अस्पताल में यह वार्ड तैयार किया जा रहा है। जिले का यह पहला अस्पताल होगा जहां कोई वार्ड तैयार किया जा रहा है। जिरियाट्रिक वार्ड पूरी तरह वातानुकूलित होगा तथा इसमें अन्य सुविधाएं भी रहेंगी। यहां प्राइवेट अस्पताल की तर्ज पर आरामदायक बेड आदि की व्यवस्था की जा रही है। बंगाल में प्रवेश करने वाले की होगी कोरोना जाँच। सोमवार को उपायुक्त फैज अक अहमद, मुमताज व उप विकास आयुक्त नमन प्रियेश लकड़ा संयुक्त रूप से कुंडहित प्रखंड के बंगाल सीमा स्थित खुदमलिका चेकनका का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान थाना प्रभारी नंदकिशोर सिंह को बंगाल सीमा पर कड़ी नज़र रखने तथा बंगाल से 2 पहिया व 4 पहिया वाहन से प्रवेश कर रहे दोनों लोगों की कोविड जांच कराने की हिदायत दी। साथ ही बंगाल से बिना पास के एक भी वाहन को झारखंड में प्रवेश नहीं करने देने को कहा। बताया कि चेकनका में 24 घंटा पुलिस बल के साथ प्रतिनियुक्त दंडाधिकारी तैयार रहेंगे।
ताकि बंगाल से एक भी बाहरी लोग झारखंड में प्रवेश न कर पाए। उन्होंने कहा कि रोकथाम से ही कोरोना महामारी नियंत्रण हो सकती है। हम रोज ऐसे ही न्यूज लाते रहेंगे, तो यदि आपने अभी तक क्लीन न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले फटाफट सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि कोई अपडेट मिस ना हो।